आज का जो टॉपिक लिया है मेंस के लिए वो है स्तूपा आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग मेन फीचर्स डिस्कस करेंगे और एंड में महास्तूपा जो सांची में है उस पर डिस्क्रिप्शन लेंगे। उसका क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू महास्तूपा एट सांची। तो इस क्वेश्चन को चार में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग स्तूपा क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, देन उसके फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं, एंड फाइनली उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो फर्स्ट जो आता है वो स्तूपा क्या है। स्तूपा अगर हम लोग बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहें तो सिंपली जब कोई सेंट या कोई भी होली पर्सन जब अपनी बॉडी छोड़ देता है तो उसके एशेस या रेलिक्स को हम लोग जब दफनाते हैं तो मिट्टी से जो एक माउंड लाइक डोम लाइक शेप बनता है, एक हीप का फॉर्म, वो स्तूपा कह सकते हैं। स्तूपा इज़ ए श्राइन विद सीक्रेट रेलिक्स एनकेस्ड इन अ सेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन। तो जब भी आप किसी श्राइन में जाते हैं तो डेफिनेटली एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड से जाते हैं, तो इस वजह से इट इज़ यूज एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन। ये बात अलग है कि टूरिज़म की वजह से लोग पिक्चर्स या जस्ट घूमने के पर्पस से ये प्लेसेस विजिट करने लगे, लेकिन एक्चुअली इनका पर्पस मेडिटेशन ही हुआ करता था। दीज स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दो इट प्रीडेट्स बुद्धिज़्म। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अर्ली स्तूपाज कैसे वो ओरिजिनेट हुए थे, तो उससे पहले हम लोग इनके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल फीचर्स मीन्स, फंडामेंटल फीचर्स का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी भी चीज़ का फंडामेंटल फीचर्स डिस्कस करते हैं कि मीन्स जिन फीचर्स के बिना वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो कौन से ऐसे स्तूपा के फीचर्स हैं जो कि उसे डिफाइन करते हैं? वो हैं तीन, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ छत्र और छत्रावली, सेकेंड अंड और जिसे माउंट या डोम लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं जो कि मेन बॉडी होता है, एंड देन इज पाथ और प्रदक्षिणा पथ। तो अब बहुत ही ये इंटरेस्टिंग इसकी फिलॉसफी है जिससे ये डिराइव हुआ है ये स्ट्रक्चर। एज आई हैव ऑलरेडी सैड इट इज़ रिलेटेड टू मेडिटेशन। तो जो एक पर्सन सीटेड इन अ मेडिटेशन पोस्चर, तो अगर आप उसका देखेंगे उसे तीन में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, बॉडी एंड देन क्रॉस लेग्ड। तो उसी तरह जो स्ट्रक्चर है स्तूपा का वो भी तीन में डिवाइड किया जा सकता है, छत्रा और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन टॉप, देन अंड और माउंट, दिस डोम, एंड थर्ड इज बेस और पथ। ये सिंपली एक सर्कुलर मीन्स टू द लेवल ऑफ ग्राउंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये ऐसे इसका लेवल इतना हो। तो मैं फंडामेंटल फीचर्स बता रही हूँ, लेटर ऑन वी विल सी कि किस तरह ये इतना एलैबोरेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। तो ये तीन फीचर्स आप याद रखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा कि ये क्या है स्तूपा। अब ये जो इसका डोम होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन्स द रेलिक्स। जिस पर्सन के लिए ये मतलब के लिए नहीं बनाया गया, जिस पर्सन का ये स्ट्रक्चर है जिसके रेलिक्स इसके अंदर हैं वो इस डोम में होते हैं, एंड देन दिस वन टॉप पार्ट, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर और पैरासोल्स ऑन द टॉप ऑफ स्तूपा। सो वॉट डज इट सिम्बलाइज? इट सिम्बलाइजेज हाई रैंक। ये रेलिक्स को ऑनर और शेल्टर देने के लिए एक सिम्बॉलिक फॉर्म है। और ये जो इसका बेस है, द डोम वॉज सेट ऑन ए
हाई सर्कुलर ड्रम और बेस मेंट फॉर सर्कम्बुलेशन। जो आपके आपने देखा होगा कि कितने सारे जो फॉलोवर्स होते हैं या कोई भी जब यहाँ पे जाता है तो ज़रूर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें चक्कर काटता है, तो उस पाथवे को हम लोग ये कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट, कैसे ये अर्ली स्तूपा से आज के स्तूपा में डेवलप हुए। अर्ली स्तूपा कुछ भी नहीं था, जैसे कि आप मैंने शुरू में बताया कि लोगों को जब दफनाया जाता था और जो लोग मेडिटेशन बहुत करते थे, समाधि प्राप्त कर लेते थे, या फिर इस पोस्चर में, मेडिटेटिव पोस्चर में उन्हें जब दफनाया जाता था तो मिट्टी ऊपर एक हीप लाइक स्ट्रक्चर में होती थी। तो ये संस्कृत वर्ड होता है, एक स्तूपा, एक स्तूप एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है हीप, तो वहाँ से ये डिराइव हुई है टर्म। तो उस वो ये अर्ली स्तूपा कुछ नहीं थे, वो सिंपली उन लोगों को इस तरह दफनाया जाता था तो एक हिल लाइक और माउंट लाइक स्ट्रक्चर होते थे। तो उसी से धीरे धीरे बुद्धिज़्म में जब वो चीज़ अडॉप्ट की गई तो उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया गया, और इसी वजह से हम लोग स्तूपा को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से एसोसिएट करते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं की वजह से इतना फेमस हुआ है, पॉपुलर हुआ है। तो इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री पे जाते हैं। इन 3rd century BC अशोका, जो एम्परर अशोका थे, उन्होंने सांची में ग्रेट स्तूपा किस तरह, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उस पर बहुत ही शॉर्ट में करेंगे क्योंकि आंसर इतना लंबा हो जाएगा कि लिख टाइम नहीं मिलेगा आपको पूरा कंप्लीट करने का। तो सिर्फ आपको जो मेन चीज़ लिखनी है वो लिखना है कि जो एज एन एग्जांपल आपको ग्रेट स्तूपा लेना है, क्योंकि उससे आपको सारा कंफ्यूजन मिल जाएगा कि हाँ कि आप क्या पूछा गया है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बस ये ब्रिक स्ट्रक्चर लेंगे, क्योंकि ब्रिक स्ट्रक्चर से कैसे वो स्टोन स्ट्रक्चर में हुआ हम लोग लेटर ऑन बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे यही लिख देना, ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज लेटर ऑन रेलिक्स बुद्धा के नहीं थे, उनके फॉलोअर्स के थे, मीन्स अदर मंक्स के थे, लेकिन बुद्धा के सांची स्तूपा मीन्स ग्रेट स्तूपा में या महास्तूपा में आपको मिलेंगे। आफ्टर 50 years फॉलोइंग अशोका, सांगा एरा में उन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल जितना साइज था जो ग्रेट स्तूपा का उससे ऑलमोस्ट डबल कर दिया, और एक चेंज लाए जो कि ब्रिक स्ट्रक्चर से उन्होंने स्टोन स्लैब्स कर दी जिससे उसे ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सके। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था उसका साइज, और जो डोम था उसके ऊपर उन्होंने छत्रावली क्रोन कर दी, उसके ऊपर लगा दी, और एक नया फीचर ऐड हुआ वो है हर्मिका। हर्मिका इसमें आप देखो कुछ नहीं होता, ये जो इसके नीचे देख रहे हो ये तो हो गया छत्रावली, और इसके नीचे ये जो है वो हर्मिका है, एक ए स्क्वायर रेलिंग है, कुछ नहीं रेलिंग है, स्क्वायर शेप में है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन संगा एरा में था, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये वेदिका, ये जो आप सर्कुलर पाथ देख रहे हो इस पे ये जो रेलिंग लगी है ये वेदिका, ये तो हो गया पाथ जो हम लोगों ने फंडामेंटल फीचर में देखा था, ये पाथ हो गई, और इस पे जो उन्होंने ये सर्कुलर रेलिंग दी वो वेदिका हो गई। इसके बाद इन्होंने गेटवे भी सांगा एरा में ही कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका, ये तोराना कहो या गेटवे कहो, ये भी ये चारों डायरेक्शन में है, जैसे कि जो अगर आप पढ़ोगे इसका फिलॉसफी पढ़ोगे तो इसमें क्या चार डायरेक्शन है स्तूपा की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और चारों डायरेक्शन में उन्होंने गेटवे दिया है। तो ये एंट्रेंस एक तरह से आपको डिस्क्राइब करती है कि ओपन टू ऑल डायरेक्शन, और सेकेंडली ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ईस्ट में जैसे कि वो उनका बर्थ हुआ, फिर कैसे वो जो भी इस तरह की कुछ डायरेक्शंस वगैरह के अकॉर्डिंग उन्होंने एंट्रेंस दी, तो ये भी एक
बाद में फीचर ऐड हो गया तोराना और वेदिका और ये हर्मिका, ये सब हम संगा संगा एज की बात कर रहे हैं। यस, वेदिका ये वर्ड टर्म आप याद कर सकते हैं, बैलेस्ट्रेड, बैलेस्ट्रेड क्या होता है, जैसे अगर आप रेलिंग लिखते हो तो रेलिंग कुछ नहीं है, मीन्स आप किसी भी तरह की रॉड कह लो जो कि आपको सपोर्ट देती है स्टेयर केस में, ब्रिज में, या इवन रूम में भी वॉक, जिससे आप गिरने से बच सको, उससे रेलिंग कहते हैं। लेकिन जब आप आर्किटेक्चर का आंसर लिखोगे तो आप ये टर्म्स यूज़ करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मीन्स बैलेस्ट्रेड, दे आर ग्रुप ऑफ बैलस्टर्स। बैलस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपकी ये इस तरह की रेलिंग है, तो इसके बीच में ये जो आप देखते हो ना, ये बैलस्टर्स होते हैं, और ये ग्रुप ऑफ बैलस्टर्स को बैलस्ट्रेड कहते हैं। तो अब क्या है, अभी यहाँ पर इतनी सिंप्लिसिटी आ गई है मॉडर्न एरा में, तो इन पे हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन उस टाइम पे आप आर्किटेक्चर देखोगे तो बहुत ही कार्विंग्स, इतना ज़्यादा एफर्ट लगता था, तो इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि आपका एक बैलस्टर बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना एफर्ट लगता है, और सबसे बड़ी बात कितनी ब्यूटी वो ऐड करता है। ब्यूटी एक रिस्पेक्ट भी होती है, जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डेलिकेटली काम करते हो, मेहनत करते हो, सिर्फ किसी को मतलब किसी का स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट पे वो लगाने के लिए, तो वो आपकी रिस्पेक्ट शो करता है उस पर्सन के लिए। तो ये जिनके भी रेलिक्स हुआ करते थे उन पे अगर आपका इतना ज़्यादा आर्किटेक्चर पे वर्क हो रहा है, तो वो शो करता है कि कितना वहाँ के लोग उस टाइम के एरा के उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपका बहुत आपकी पर्सनैलिटी को शो करती हैं। तो इस टर्म का आपको इम्पोर्टेंस पता चली, ये वेदिका का क्या मतलब होता है। इसी फिर इसका एक महास्तूपा का एक यूनिक फीचर है कि इसमें एक यही स्तूप है जिसमें एक अपर प्रदक्षिणा पाथ बना हुआ है। इसमें मैंने दो देखे हैं, ये अपर पाथ भी है और लोअर पाथ भी है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब आते हैं तोराना पे, ये तोराना भी उसी की एरा की बात हो रही है, संगा एरा की। मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि मैं डिस्क्राइब कर चुकी पहले। तोरानाज हैज़ डिटेल्ड कार्विंग्स शोइंग बुद्धिस्ट सिम्बल्स एंड इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सीन्स। इंटरेस्टिंगली एट दिस स्टेज बुद्धा वॉज नोवेयर शोन इन द ह्यूमन फॉर्म, बट ओनली सिम्बॉलिकली थ्रू फुटप्रिंट्स, अम्ब्रेला अबव एन एम्प्टी थ्रोन, बोधी ट्री एंड हॉर्स विदाउट राइडर। तो इसका क्या मतलब है, देखो एक्चुअली जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उनका ये है कि किसी पर्सन की वर्शिप नहीं करनी है, मींस अपना खुद में एनलाइटमेंट लेना है। तो इस वजह से कभी भी जो अशोका पीरियड में हो या फिर संगा एरा में हो, कभी भी उन्होंने बुद्धा की इमेज को पोर्ट्रे नहीं किया एज फॉर वर्शिप। तो इसी वजह से उन्होंने जो भी डेकोरेशन में जो यूज़ किए वो सिंबल्स यूज़ किए, जैसे कि फुटप्रिंट्स बुद्धा के, अम्ब्रेला अबव एन एम्प्टी थ्रोन जो कि वो भी बुद्धा को डेप्रेट करता है, एंड डेफिनेटली ये तो करते ही हैं, बोधी ट्री और हॉर्स विदाउट अ राइडर। तो ये सब सिंबल्स हैं बुद्धा के, ये आपको सब तोराना पे मिलेगा कार्विंग्स। अब आते हैं फाइनल, लेटर ऑन इन 5th century AD ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। हाँ, तो इसमें क्या एक एड ऑन हुआ, इन्होंने जो भी अभी हम लोग ने गेटवे की बात की थी, 4 gateways हैं, हर गेटवे की एंट्रेंस पे उन्होंने एक बुद्धा का स्टैचू बिठा दिया ध्यान मुद्रा में। वो आपका ये भी एक आर्किटेक्चर में फीचर ऐड हो गया, ठीक है, या आप एक पॉइंट याद करते रहो, मैंने इसमें लिखा नहीं है। हाँ, और इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि इस स्टेज पे गुप्ता एरा में हम लोग का जो टाइम था वो वर्शिप का टाइम हो गया था, कि इतना ज़्यादा वर्शिप पे फोकस किया जा रहा था कि उन्होंने बुद्धा को भी एक इमेज की फॉर्म में वर्शिप करने लगे, मीन्स एक गॉड लाइक इमेज बना दी जिसकी पूजा होती थी। एनी हाउ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस आंसर इज दिस, दैट इट इज़ येट अनोदर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंड्योरेंस ऑफ डिवोशन दैट वॉज स्टार्टेड बाई एम्परर अशोका एट सांची स्तूपा। मीन्स अगर आप देखोगे सांगा क्या था, सांगा कौन थे, वो एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने बुद्धिज़्म के लिए। इसी तरह
गुप्ता एरा भी हिंदुज़म से कनेक्टेड थे लेकिन उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये जो यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है ना, वो उन क्वेश्चंस को पूछता है जिसमें ना अपना इंडिया की ब्यूटी बाहर निकाल के हो। तो आप तो देखो कि मीन्स अशोका बुद्धिस्ट जो कि कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज़्म में, उसने जो चीज़ स्टार्ट की थी वो कैसे कंटिन्यू हुई। तो इस वजह से ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, विच फोकसेस ऑन यूनिटी। ठीक है, ओके।